नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। देश में मंकी पॉक्स के सामने आ रहे मामले, दिल्ली में मंकी पॉक्स का 5वां मरीज मिला, LNGP अस्पताल में चल रहा इलाज। एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद शिवसेना को बचाने में मैदान में उतरे आदित्य ठाकरे, राज्य के विभिन्न हिस्सों का कर रहे हैं दौरा। चंद्रपुर में गाय को बचाने की कोशिश में 4 लोगों की मौत, चंद्रपुर गढ़चिरौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भयानक हादसा। खबरें विस्तार से। दिल्ली में शनिवार को मंकीपॉक्स के 5वें मरीज की पुष्टि हुई है। संक्रमित 22 वर्षीय अफ्रीकन युवती है। ये मरीज पहले से LNGP अस्पताल में संदिग्ध के तौर पर भर्ती थी। पिछले दिनों ये नाइजीरिया गई थी। इसका इलाज NLGP हॉस्पिटल में चल रहा है। इससे पहले भी एक अफ्रीकन महिला और नाइजीरिया मूल के 35 साल के शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति पर निगरानी रखी गई है, उसके लिए भी डॉक्टरों की टीम लगी हुई थी। शहर के लोकमान्य तिलक जनकल्याण शिक्षण संस्था द्वारा संचालित पल्लवी प्राथमिक व ज्योतिबा उच्च माध्यमिक स्कूल नंदनवन नागपुर में आज आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में स्कूल के छात्रों ने सहभाग लिया और भारत माता की जय व वंदे मातरम के खूब नारे भी लगाए। कभी शिवसेना नेताओं के बजाय बॉलीवुड सितारों और हस्तियों का पक्ष लेने की वजह से आलोचना का सामना करने वाले आदित्य ठाकरे, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार गिरने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से जुड़ने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। ठाकरे परिवार के उत्तराधिकारी राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर रहे हैं, खास तौर पर उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहाँ के शिवसेना विधायकों ने बगावत की है। उन्होंने ये पहल ऐसे समय की है जब उनके पिता उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला शिवसेना का गुट अस्तित्व के संकट का सामना कर रहा है। आमतौर पर शांत और सौम्य रहने वाले 32 वर्षीय आदित्य ठाकरे ने पिछले 1.5 महीने से आक्रामक रुख अपना रखा है। वो विधानसभा में मुंबई की वर्ली सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक द्वारा लगाए गए आरोपों के मद्देनजर एक जाति जांच समिति ने शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को क्लीन चिट दे दी। मलिक का आरोप था वानखेड़े मुस्लिम है और सरकारी नौकरी पाने के लिए उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया था। 3 सदस्यीय समिति ने पाया कि समीर ज्ञानदेव वानखेड़े जन्म से मुस्लिम नहीं है और ये निर्धारित किया कि वानखेड़े और उनके माता पिता हिंदू धर्म के महर 37 अनुसूचित जाति के हैं। आदेश में लिखा गया है कि समीर और उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने हिंदू धर्म को त्याग दिया और इस्लाम में परिवर्तित हो गए। ये साबित नहीं करता है कि रूपांतरण ठीक से किया गया है। वानखेड़े के खिलाफ आरोप दक्षिण मुंबई के एक क्रूज जहाज पर छापा मारने और इस साल की शुरुआत में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार करने के बाद उठाया गया था। NCB की विशेष जांच टीम द्वारा मामले में आर्यन खान को क्लीन चिट देने के कुछ दिनों बाद IRS अधिकारी को मई में चेन्नई के डिजी करदाता सेवा निदेशालय में ट्रांसफर कर दिया गया था। पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने कहा कि वे उनके पूर्वजों की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए महाराष्ट्र के वाशिम जिले में उन पैतृक स्थान भी गए थे। एक अधिकारी ने कहा, हमने उसके चाचा, अन्य रिश्तेदारों और पुलिस पाटिल सहित लगभग 10 लोगों के बयान दर्ज किए थे जिन्होंने पुष्टि की थी कि वह अनुसूचित जाति समुदाय से है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े नशीले पदार्थों के मामले की जांच लिए वानखेड़े को 2020 में NCB में ले जाया गया था, जहां रिया चक्रवर्ती को उस मामले में गिरफ्तार किया गया था। NCB के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वानखेड़े ने कई मामले दर्ज किए जिनमें कम मात्रा में नशीले पदार्थों की जब्ती शामिल थी। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका।
बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। फिर से स्वागत है। सड़क पर गाय को बचाने के प्रयास में भयानक हादसा हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतकों के नाम पंकज किशोर बागड़े, अनूप तदुलवार, मनोज तीर्थगिरिवार है, जबकि सुरेंद्र हरिंद्र मसराम गंभीर रूप से घायल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गढ़चिरौली के पंकज बागड़े ने अपने दोस्त सावली तालुका के विहरगांव के रहने वाले अनूप तांदुलवार के साथ चंद्रपुर में डीजे सामग्री खरीदने के लिए बेलोरा से निकले थे। साहित्य खरीदकर गांव आते समय सावली तालुका के किसान नगर में मुख्य सड़क पर एक गाय बैठी थी। उसे बचाने के प्रयास में बेलोरा की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील टूट गया और गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है। घटना की सूची सावली पुलिस को दी गई। थानेदार आशीष बोरकर मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से हादसे के शिकार लोगों को बाहर निकाला गया। घायल को इलाज के लिए सावली ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में गढ़चिरौली के पंकज बागड़े, वीरगांव के अनूप तदुलवार, वेरगांव के महेश्वरी तदुलवार, तड़गांव के मनोज तीर्थगिरिवार की मौत हो गई है, जबकि चिखली के सुरेंद्र हरेंद्र मसराम गंभीर रूप से घायल है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार जैश ए मोहम्मद और तहरीक ए तालिबान के आतंकी नदीम के मंसूबे बेहद खतरनाक थे। वो 4 साल से खुद को आतंकी घटनाओं के लिए तैयार कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद से नदीम के बारे में हर जगह जानकारी हासिल करने के लिए जांच एजेंसियां तेजी से कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में बड़ा खुलासा ये हुआ कि आतंकी नदीम नूपुर शर्मा को मारने के साथ साथ और भी कई खतरनाक साजिशों का अंजाम देने की फिराक में था। आतंकी के फोन से कई खुलासे हुए हैं। आतंकी मोहम्मद नदीम का उद्देश्य अलग अलग जगहों पर आतंकवादी घटना को अंजाम देने का था। नदीम कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा था जिससे वह आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सके। 2018 में नदीम का पाकिस्तान के आतंकवादी हकीमुल्लाह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर परिचय हुआ। हकीमुल्लाह ने उसका परिचय सैफुल्लाह से करवाया। सैफुल्लाह ने उसका कई पाकिस्तान, बांग्लादेश, UAE में स्थित कट्टरपंथी तत्वों से परिचय करवाया। इसके बाद सफीउल्लाह से लगातार नदीम चैट करने लगा। नदीम ने अपने डिजिटल फुटप्रिंटर्स छिपाने के लिए कई फेक जीमेल अकाउंट और टेलीग्राम आईडी क्रिएट। नदीम का फेक जीमेल, वर्चुअल आईडी, टेलीग्राम आईडी बनाकर पाकिस्तान भेजी गई। इसके अतिरिक्त लोन वुल्फ अटैक चाकू द्वारा करने के लिए नदीम को ट्रेनिंग भी दी गई। इसके लिए नदीम द्वारा कुछ टारगेट भी चिन्हित किए गए थे। नदीम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कई आतंकी हेडलर्स के संपर्क में था। दिग्गज विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय राठौड़ को हाल ही में शिंदे समूह ने मंत्री पद दिया है। संजय राठौड़ ने आज यवतमाल में प्रवेश किया और उनके प्रशंसकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। संजय राठौड़ का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी।
संजय राठौर ने मंत्री बनने के बाद पहली बार यवतमाल में प्रवेश किया। राठौर समर्थक उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। संजय राठौर का डीजे ढोल बजाकर और माला से जोरदार स्वागत किया गया। तहसील चौक पर एक प्रशंसक ने जेसीबी की मदद से फूलों की वर्षा की। वहीं बंजारा समुदाय के एक प्रशंसक ने बंजारा समुदाय की एक पोशाक भेंट की। उस पर संजय राठौर ने तुरंत उक्त पोशाक पहनकर सभी बंजारा बंधुओं का अभिवादन किया। यवतमाल के कई चौकों पर राठौर का माल्यार्पण और फूलों के गुलदस्ते से स्वागत किया गया। इस स्वागत समारोह में बंजारा समाज सहित जिले के राठौर समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद थे। वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजीत महिंद्रे की रिपोर्ट। आज बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।